हाय दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभय कुमार भारती फ्रॉम नॉलेज कॉलेज। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आईवॉल बटन राउटर को कॉन्फ़िगर और सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर और सेटअप कर सकते हैं, और इस वीडियो देख लेने के बाद आप खुद से ही इसको कॉन्फ़िगर और सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए ये आईवॉल बटन राउटर 150M वायरलेस एंड ब्रॉडबैंड राउटर। तो ये देखने में इस तरह से होगा, और इधर देखिए 150 वायरलेस एंड ब्रॉडबैंड राउटर। देखिए इसका डिफॉल्ट सेटिंग आईपी जो है 192.168.1.1, पासवर्ड इसका है एडमिन। तो ये बस इसका पीछे, देखिए इसमें क्या है, ये पावर केबल के लिए है, ये रिसेट बटन है, और ये देखिए ये वैन के लिए, इसमें कनेक्शन होगा आपका जो ब्रॉडबैंड का केबल, इधर कनेक्शन होगा जो इंटरनेट का केबल है, और ये लैन का है। तो बस ये आपका बटन का राउटर का है। चलिए इसका पावर केबल इसमें इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करेंगे और इसको स्विच दे देते हैं। इसलिए देखिए ये ऑन हो गया, ऑन हो गया। अब क्या करना है, इसका वैन के जो तार हैं, पहले वैन का तार कंप्यूटर से, अब क्या करना है, अब इसको लैन का वायर, अब एक लैन का वायर है, देखिए एक लैन का वायर के बाद इसको फिर इसमें इंसर्ट करेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे और ये सेम वायर ये वाला सेम वायर हम कंप्यूटर में चलिए हम लोग डेस्कटॉप में जाते हैं। डेस्कटॉप में जाके इसके जो सेटिंग्स हैं ईच एंड एवरी सेटिंग्स हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए नेट इंटरनेट सेटिंग्स में आते हैं, इंटरनेट सेटिंग में आने के बाद नेटवर्क या इंटरनेट सेटिंग्स, उसके बाद चेंज एडाप्टर सेटिंग्स, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 उसमें क्लिक करके प्रॉपर्टी सब में क्लिक कीजिए। तो ये देख सकते हैं ये जो आईपी है ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आईपी आपको इंटरनेट आपका इंटरनेट प्रोवाइडर से मिला हुआ है, यही आपका नाम से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली में चेक मार्क कर देना पड़ेगा, उसमें टिक कर देना पड़ेगा, टिक मार्क करके उसको आपको ओके क्लिक कर देना पड़ेगा। तो हम उसको देखिए टिक मार्क कर लिए और उसमें आकर हम ओके क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे इसको सबको क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देने के बाद हम क्रोम में आएंगे, ब्राउज़र खोलते हैं, उसमें जो आईपी एड्रेस है आपका आई बॉल बटन का 192.168.1.1, इससे हम लॉगिन करेंगे। इसका जो पासवर्ड है एडमिन पासवर्ड है, जो आप देखे हुए हैं एडमिन पासवर्ड है, इसका जो पासवर्ड एडमिन पासवर्ड है। फिर इधर आके हम लोग नेटवर्क सेटिंग में देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है आईबॉल बटन का आईपी, तो ये सब हमको चेंजेस करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे देखिए, वैन में आते हैं, इधर आके हमको स्टैटिक आईपी में क्लिक करना पड़ेगा, और इधर जो है आईपी एड्रेस, देखिए ये जो हम बोले थे आपको नोट डाउन कर लेने के लिए, वो पूरा इधर चेंज करना पड़ेगा। जो आपसे पूरा चेंज कर लीजिए, हमारा देखिए हम चेंज करते हैं, ये देखिए चेंज करते हैं, ये मैं इसके पहले एक बार ट्राई किया था इसलिए ऑटोमेटिक ये सेव ले लिया हुआ है, ठीक है। आपका आपको लिखना पड़ेगा, तो ये हम पूरा अच्छी तरह से जो था उधर प्रोटोकॉल में इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में वो सेम इधर हम आईपी बैठा देते हैं। तो देखिए बैठा कर उसके बाद ये इसको हम सेव करते हैं।
सेव कर लेने के बाद ये देखिए इधर देने के बाद इधर देखिए कनेक्टेड शो कर रहा है, तो मतलब ये इंटरनेट कनेक्टेड हो गया है, तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक ले लिया है। बस ये हो सकता है, देखिए अभी तक ये इंटरनेट कनेक्शन नहीं आया हुआ, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, ये थोड़ा सा समय लेता है, थोड़ा समय लेने के बाद ये ऑटोमेटिक आपका ये शो होने लगेगा, इंटरनेट कनेक्शन शो होने लगेगा। देखिए ये ऑटोमेटिक इंटरनेट कनेक्शन आ गया, अब क्या करते हैं चलिए एक बार देखिए ये नेटवर्क कनेक्टेड है, फिर जस्ट ये एक बार हम चेक कर लेते हैं, सब चेक करके इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रॉपर्टीज में जाके जैसे वैसे ही है आपका, इसको ओके क्लिक किए, फिर इंटरनेट में देखिए, फिर हम क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र में जाके इसको गूगल, देखिए ये नेट काम कर रहा है, इंटरनेट अब इसका काम कर रहा है, तो इंटरनेट काम कर रहा है। उसके बाद हम आएंगे देखिए, फिर हम मोबाइल में देखिए कैसे इसको क्या कनेक्शन, वो भी हम आपको दिखा देते हैं इसका। जैसे देखिए हम वाईफाई में आकर देखिए ये शो कर रहा है, जैसे उधर SSID हम आईबॉल बटन दिया हुआ, देखिए आईबॉल बटन इधर शो कर रहा है, तो ये इधर हम अपना पासवर्ड देके इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी हुए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर